हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे ये जो दो मोटर होती है एक्सीलेटर में, ये किस तरीके से वर्क करती है और इनको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है और किस तरीके से वर्क करती है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मोटर होती है एक्सीलेटर में जो लगती है, और दो मोटर उस तरफ हैं, दो मोटर इस तरफ हैं। एक एक्सीलेटर में दो मोटर का यूज़ होता है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। पर हमारा जो काम है आज वो डिसमेंटल का है, हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं ताकि इसको उठा के दोबारा रिपेयर करके चेंज कर सकें। ये जो होते हैं ये से लीवर होते हैं, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये मोटर घूमती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको इधर करने से ये घूम रहा है मोटर ऊपर से पूरा, इसको भी करने से ये घूम रहा है। पर हमें मेन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक्सीलेटर डिसमेंटल करते हैं, तो हमें अपनी जो चैन वगैरह है, ये जो चैन दिख रही है आपको सामने, आप देख सकते हैं ये जो इधर चैन है ये काम करती है। अब देखिए मैं इसको इधर से ऐसे करता हूँ, घुमाता हूँ और ये चैन घूमेगी, पूरी चैन घूमेगी ये मोटर के साथ साथ। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना एक्सीलेटर को, हम रेडी करके स्टार्ट करते हैं, तो ये जो मोटर है इन दोनों को एक साथ चलाया जाता है कि ताकि जो दोनों तरफ की चैनें हैं वो हमारी एक साथ चले, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। सबसे ज़रूरी होता है कि इनको एक साथ चलाना, अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीलेटर आगे मूव ऑन नहीं करेगा, नहीं चल पाएगा वो, क्योंकि ये जब चैन होती है जो ये इनको घुमाती है एक साथ और तब ये सीढ़ियाँ एक साथ उतरती है। अगर ये अलग अलग घूमती है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।